आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट आज हम देखेंगे लैंग्वेज स्टडी पेज नंबर इलेवन में जो दिया हुआ है है ना क्लास एट महाराष्ट्र बोर्ड की बुक है माई इंग्लिश बुक है ना उसका पेज नंबर इलेवन में कुछ बहुत ही काम की चीज दी हुई है स्टूडेंट जिसको बोलते हैं ऑग्जिलरी वर्ब ऑगजिलरी वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब क्या होता है हेल्पिंग वर्ब अभी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है स्टूडेंट आपको लगेगा कि सर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है जो मेन वर्ब के साथ आती है अगर मैंने लिख दिया आई एम गोइंग टू मार्केट क्या लिख दिया आई एम गोइंग टू मार्केट अब मैं बोलूँगा सर इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या है सब्जेक्ट क्या है तोड़ो आप बोलेगे सर आई तो सब्जेक्ट है एम है हेल्पिंग वर्ब गोइंग है मेन वर्ब है ना आई एम गोइंग और टू मार्केट ये पूरा ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है ना देखो सब्जेक्ट हो गया वर्ब वाला पार्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट वाला पार्ट हो गया ठीक है तो सब्जेक्ट है आई एम है हेल्पिंग वर्ब गोइंग है मेन वर्ब और टू मार्केट क्या है ऑब्जेक्टिव पॉपोर्स है ना ऑब्जेक्ट है वो सब ठीक है तो आई एम गोइंग टू मार्केट में एम क्या है आई एम गोइंग टू मार्केट में एम क्या है हेल्पिंग वर्ब लेकिन ऐसा लिख दिया आई एम अ टीचर क्या लिख दिया आई एम अ टीचर तो यहाँ पर एम क्या है सर एम तो हेल्पिंग वर्ब होती है लेकिन जब भी इज एम आर वॉज या वर जो कि क्या है बी की फॉर्म है ये सब क्या है बी की फॉर्म इज एम आर क्या है बी की प्रेजेंट फॉर्म बी का मतलब होता है होना किसी का कुछ होना सब्जेक्ट का कुछ होना है ना प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है बी की इज एम आर पास्ट फॉर्म क्या होती है वॉज या वर और फ्यूचर की फॉर्म क्या होती है बी की विल या सेल ठीक है विल या शेल ठीक है तो वही बोला है यहाँ पर ये बी की प्रेजेंट फॉर्म आ गई एम आई के साथ तो एम ही आता है ना ही के साथ आता है इज ही या सी के साथ इज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आता है जैसे कि यू के साथ क्या आ जाएगा आर ठीक है ना जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा था आई एम अ टीचर लिखा था ठीक है ना तो मुझे बताओ आप इसमें एम क्या है ये हेल्पिंग वर्ब ज़रूर है लेकिन यहाँ पर ये खुद ही मेन वर्ब का, का काम कर रही है ये तो हेल्पिंग वर्ब का, का काम करती है लेकिन यहां पर ये मेन वर्ब का, का काम कर रही है तो बी की फॉर्म में ये क्वालिटी है कि वो मेन वर्ब का काम का का कर सकती है डू की फॉर्म भी है मेन वर्ब का कभी काम का कर सकती है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकती है ठीक है ना ये खुद ही यहाँ मेन वर्ब है मैं क्या हूँ टीचर हूं तो मेरे होने को बता रही कि मैं कौन हूं सब्जेक्ट क्या है कैसा है उसकी स्टेट को बताती है ठीक है ना स्टूडेंट हाँ तो यहाँ पर मैं वही आपको बता रहा हूँ देखो बी की प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है इज एम आर पास्ट फॉर्म क्या होती है वॉजवर और और सेल क्या होती है इसकी फ्यूचर वाली फॉर्म वैसे ही डू की प्रेजेंट फॉर्म डू और डज और पास्ट फॉर्म होती है डिड है ना इसमें कोई फ्यूचर फॉर्म कुछ नहीं होता वैसे ही हैव की भी फॉर्म होती है हैव हैज और हैड पास्ट में चले जाता है ठीक है तो वही बोला है कि ये जो तीन वर्ब ऐसी है जो दो तरीके से यूज होती है एज अ हेल्पिंग वर्ब और एज अ मेन वर्ब अगर हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है कैसे पता चलेगा स्टूडेंट ये जो बी की फॉर्म है ना ये इसके साथ और कोई दूसरी वर्ब आ गई आईएनजी फॉर्म में तो समझ लेना ये बी की फॉर्म कैसी है हेल्पिंग वर्ब है और अकेली आ गई तो खुद ही क्या बन जाती ये मेन वर्ब ही डू की जो फॉर्म है डू do, डिड इसके साथ और कोई दूसरी वर्ब आ गई तब ये हेल्पिंग वर्ब बनती है लेकिन अकेला सेंटेंस में आया है तो खुद ही क्या बन जाता है मेन वर्ब।, तो वर्ब लेकिन इसके साथ कोई दूसरी वर्ब आ, आ रही थर्ड फॉर्म में आ रही है थर्ड है फॉर्म में ही आती है दूसरी वर्ब तब ये क्या बन जाती खुद हेल्पिंग वर्ब बन जाती है समझ में आ गया समझ गए अकेली वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब दूसरी कोई वर्ब है तो ये बन जाती है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब 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 समझ गए जैसे कि पर देखो इज है है मेन आपको पहचानना है सी इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास एट आप बोलेगे सर इज तो अकेला आया है मतलब यही बन गया यहाँ पर मेन वर्ब का काम करने लगी ठीक है तो ये हेल्पिंग वर्ब यहां पर क्या कर रही मेन वर्ब का काम कर रही इसीलिए इनको प्राइमरी ऑक्सिलरीज बोलते हैं ठीक है ना ठीक है हम्म दूसरा ही डज हिज वर्क वेल वो करता है अपने काम को अच्छी तरीके से तो डज डू do की फॉर्म है डज एस वाली फॉर्म तो ये भी क्या है यहाँ पर मेन वर्ब का, का काम कर रही है ठीक है स्टूडेंट आई हैव अ कोल्ड हैव इज द मेन वर्ब इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस ठीक है स्टूडेंट पर में, में वर्ब. तो स्टूडेंट वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो वर्ब है ये दो टाइप से काम कर सकती है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अकेली आ गई तो मेन वर्ब और दूसरी वर्ब के साथ आई तो हेल्पिंग वर्ब तो वही है बी की फॉर्म है डू की फॉर्म और हैव की फॉर्म और कुछ वर्ब ऐसी होती होती है जो अकेली आ ही नहीं सकती सेंटेंस में ठीक है अगर वो आई है तो दूसरी वर्ब भी साथ में आएगी ही उसको बोलते हैं विच डू नॉट स्टैंड अलोन इन सेंटेंस जो अकेली सेंटेंस में कभी यूज नहीं होती है मेन वर्ब जो मेन वर्ब के साथ ही आती है है ना वो क्या है वो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ये ऐसी वर्ब है जो मॉडल्स जो होते हैं ये अकेले नहीं आते जैसे कैन विल मस्ट इसके साथ देखो वर्क 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 एक वर्ब लगी हुई है ना ही कैन वर्क हार्ड ही विल वर्क वर्क हार्ड हार्ड ही मस्ट तो इस के उस सेंटेंस है यहाँ पर ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब आई है और ये मेन वर्ब है वर्क ठीक है तो आगे क्या बोला है अंडरलाइन द ऑक्सिलरी वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस बहुत ही आसान एक्सरसाइज है ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब मैं सीधे एक ही बार में बोल के बता देता हूँ की फॉर्म जो है इज एम आर वॉज वर् बी सेल बी ठीक है और दूसरी फॉर्म क्या है है की फॉर्म तीसरा हैज हैड तो बस इन्हीं चीजों को आपको अंडरलाइन करना है बाकी कोई चीज को अंडरलाइन नहीं करना है क्योंकि ये क्या है ऑक्सिलरी वर्ब है और दूसरी चीज है कैन कुड मे माइट सेल सुड विल वु टू नीड है ना डेयर ये सब भी हेल्पिंग वर्ब है इस टाइप की कोई चीज यहां पर दिखेगी तो हम उसे अंडरलाइन कर देंगे देखो यहां पर वी हैव अ हॉलीडे टुमारो तो हैव को अंडरलाइन कर देंगे अलीडे पर है ना ये क्या है ऑग्जिलरी वर्ब है ठीक है रीना इज इंजर्ड बैडली इज यहां पर क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब है ठीक है ऑग्जिलरी वर्ब यू मस्ट मस्ट यहां पर मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो गई ठीक है आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है We should देखो should हेल्पिंग वर्ब मॉडल हेल्पिंग वर्ब है दे डिड देखो डू की फॉर्म आ गई a big थॉर्न हैड देखो हैव की फॉर्म आ गई हेल्पिंग वर्ब द lion was देखो बी की फॉर्म आ गई हेल्पिंग वर्ब एंड्रोकॉल से डिड डू की फॉर्म आ गई हेल्पिंग वर्ब डिड ठीक है दे कुड ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब आ गई कैन could है ना मे माइट shall should इस टाइप से और आगे क्या है देखो ही वुड वुड आ गई यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है ना और इलेवन से देख लेते हैं इलेवन द स्लेवस वर वर क्या आ गई ये एक हेल्पिंग वर्ब आ गई वर ठीक है ना? Was, were, है ना वॉज वर है ना इज एम आर वॉज वर विल बी सेल्फ सब तो वर क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब आ गई शुड ये एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब आ गई तो इन सबको अंडरलाइन हमें करनी है ठीक है स्टूडेंट समझ गया आप लोग मैंने क्या कहा तो आज के लिए इतना ही बाकी जो भी आपको डाउट हो तो कमेंट करके मुझे आप पूछ सकते हैं और लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट